सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। राजधानी लखनऊ में अब स्मार्ट सिटी योजना के तहत 100 ओपन जिम का भी लाभ मिलने वाला है। ये जिम लखनऊ के 100 अलग अलग नगर निगम के पार्कों में खोले जाएंगे, जिसके पहले चरण के रूप में मार्च 2023 तक 35 पार्क में ओपन जिम खोले जाएंगे। इसी कड़ी में अलीगंज सेक्टर क्यू के महाराणा प्रताप पार्क में इस 100 ओपन एयर जिम का शिलान्यास किया गया, जिसमें राजधानी के तमाम गणमान्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने भाजपा नेता नीरज सिंह और महापौर संयुक्त भाटिया से खास बातचीत की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह लखनऊ सुंदर हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, आज उसी क्रम में यह 100 ओपन जिम यहाँ के पार्कों में लगाए जाएंगे। HCL के CSR फंड के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रेरणा से यह पार्क में जिम लगाए जा रहे हैं। 12.68 करोड़ की लागत से HCL अपने CSR फंड से और नगर निगम इन जिम को लगाने का काम करेगा। मैं लखनऊ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मौजूद है महापौर सविता भाटिया जी से बात करेंगे। मैम, ये जो प्रोग्राम है आज जो 100 पार्कों में 12 करोड़ से अधिक लागत से बन रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक लखनऊ की जनता की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक CSR फंड से इस जिम लगवाने की व्यवस्था कराई है। नगर निगम को उसको कार्यभार दिया है और मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ इस कार्य के लिए। उन्होंने जो हमारी जनता अगर स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से उनका मस्तिष्क भी काम ठीक से काम करेगा। हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम, उनको उन तक पहुंचाने का काम, उनको सेवाएं पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत यहाँ किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक ये भी एक योजना है कि हमारे यहाँ के लोग जिम से अपने आप को जिम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज करें। और क्या नगर निगम में और क्या सोच रही है जैसे लखनऊ के लिए कुछ और करने के लिए, जैसे कि सफाई मुगे, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि नगर निगम से जो तहत कार्य होता है अभी कुछ हद तक नहीं हुआ है, जो अधूरा पड़ गया उसको और क्या कैसे करना है? जो भी कार्य हम लोगों ने निर्णय किए थे, सदन में पास किए थे, वो सारे काम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ काम जो बाकी रह गए हैं वो लगातार अपनी प्रगति के पथ पर है, काम चल रहा है और चलता रहेगा। लखनऊ नगर की 269 रैंकिंग थी उस समय जब मैं महापौर बन रही थी, आज 5 वर्षों में लखनऊ नगर निगम में 17 नंबर पर हम आए हैं। तो निश्चित रूप से लखनऊ की प्रगति हुई है, लखनऊ ने अपने एक आयाम अपना बनाया है, नगर निगम की छवि में भी सुधार हुआ है और काम लखनऊ शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन 5 वर्षों में लखनऊ नगर निगम ने अपने कार्यों के माध्यम से 13,500 सड़कें बनाने का काम किया, जो आज तक कभी किसी समय में नहीं हुआ है। उस सड़कों के साथ साथ हमने हर वर्ष जो पूरे देश का सर्वे होता है उसमें 5 वर्ष हमने कोई ना कोई अवार्ड जीता है, चाहे वो फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल का अवार्ड हो, चाहे वो पर्यावरण के फर्स्ट नंबर पर आने का अवार्ड हो, या फिर स्वच्छता की दृष्टि से स्वच्छता का अवार्ड हो, हमें लगातार अवार्ड मिला है। तो निश्चित रूप से ये कार्य हो रहा है और मैं माननीय राजनाथ सिंह जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की सोच, 75 वर्षों से जो कार्य अभी नहीं हुए थे, ये उनकी सोच के कारण ही है। जब किसी ऊपर के व्यक्ति की सोच होती है तो उसी का नीचे इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर उन्होंने उनकी सोच इतनी अच्छी है जो परिवर्तन ला रही है तो हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है और अगर फंड्स की व्यवस्था हो जाती है तो और आसानी होती है, क्योंकि फंड्स हमेशा कहीं ना कहीं आड़े आते हैं नगर निगम में। आज CSR फंड से, उनके माध्यम से, माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से CSR फंड मिला और लखनऊ को एक और सौगात मिली, उसके लिए बधाई देते हैं। तो ये थी हमारे साथ महापौर सविता भाटिया, जिनका कहना है कि लखनऊ में पूरा जो 100 पार्कों में 12 लाख करोड़ से अधिक लागत से जो ओपन जिम का जो शिलान्यास हुआ उसका अनावरण किया जा रहा है। तो कह साफ तौर पर यह भी कहना है कि लखनऊ के जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जब वो महापौर बनी थी तो 270 रैंकिंग था, अब वो 78 पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ का जो प्रोग्रेस है जो उसका बढ़ता ही जा रहा है सौंदर्यीकरण में, और नगर निगम में जो लखनऊ के लिए जो भी अधिक कार्य हो रहा है और कैसे लखनऊ को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।